गुड मॉर्निंग बच्चे, टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी बारे तुसी सारे जानते ही हो कि वह सिखां दे पहले गुरु होए हैं। उन्हां दा जन्म 1469 ईस्वी नूं राय भोए की तलवंडी जिला शेखूपुरा विच होया। पिता का नाम मेहता कालू, माता का नाम तृप्ता देवी। इस तरह आप शुरू तो ही जानते हो कि उन्होंने वड्डी भैन एक वड्डी भैन सी जिसका नाम बीबी नानकी सी, और कहिंदे कि अध्यात्मिक विचारां विच शुरू तो ही ये रंगे हुए सन, भाव कि ये शुरू तो ही धार्मिक विचारां वाले सन, और घर के कम्मां कारां विच इन्हां दा कोई ध्यान नहीं सी समाजिक कम्मां कारां विच, जिसकी उदाहरण आपां नूं मिलदी है कि इन्हां दे पिता जी ने एक बार इन्हां नूं सच्चा सौदा करन लई भेजिया, फिर इन्हां नूं दौलत खां दे कोल मोदी खाने विच भेजा गया, मझा चराने लई भेजा गया, तो खुद मझा चरा भजन ते बैठ जाते सन, मझा सारा खेत चर जांदियां सन, और जो लोग शिकायत करते सन इन्हां दे पिता जी नूं तो खेत हरे भरे होंदे सन। भाव इस तरह की कई छोटी छोटी कहानियां हैं जिन्हां तो पता चलता है कि श्री गुरु नानक देव जी बचपन तो ही बहुत ज़्यादा दयालु स्वभाव अते परमात्मा नाल जुड़े हुए सन। इन्होंने लोगों नूं कर्म कांडा तो दूर रख्या और दुनिया दी यात्रावां भी कीतियां लगभग 22-23 साल, जिन्हां नूं उदासियां दे रूप जाने जांदा है, और इन्हां उदासियां दौरान उन्होंने कई भुल्ले भटके लोगों नूं सीधे रस्ते लाया, समाज कल्याण लई इन्होंने बहुत काम किए। इस करके इन्हां नूं समाज सुधारक, क्रांतिकारी या होर भी इन्हां दे नाम नाल बड़े विशेषण लगाए जाते हैं, जो कि इन्हां दे पद्धर जीवन पद्धर नूं होर भी उच्चा चुकते हैं। इन्होंने स्त्री की रक्षा लई भी बहुत कुछ किया। जित जम सो क्यों मंदा आखी है, जित जमे राजान, ये श्री गुरु नानक देव जी की उचारी गई तुक है। इस अनुसार उन्होंने स्त्री के पक्ष नूं उच्चा चक्या। इस तो इलावा होर भी उन्होंने कई नैतिक कदर कीमतों के काम किए। इन्हों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है, जो कि कई उन्होंने महत्वपूर्ण है, जिमें आसा की वार, वाज माज की वार, दखनी ओंकार, मलार की वार, पट्टी बारामा। पट्टी का मतलब है कि 35 अखरी, कि जिमें तुसी जानते हो बच्चे पट्टी तो भाव है कि उड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा हा है, जिहड़ी वर्णमाला है। तो श्री गुरु नानक देव जी ने एक अजिही बाणी रची जिसका पहली लाइन उड़े तो शुरू होंदी है, दूजी लाइन ऐड़े तो, तीजी ईड़ी तो, चौथी सस्से तो, मीनस जिमें वर्णमाला तरतीब वार दिती गई है। बारामा तो भाव है कि 12 देसी महीनों के हिसाब नाल कविता की रचना करनी, कि चेत विसाख जेठ हाड़। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भी एक बारामा लिखा है, होर भी कई ने लिखा है, पर गुरु नानक देव जी का बारामा भी बहुत प्रसिद्ध होया है। आरती श्री जपजी साहब, जपजी साहब का पाठ आप रोज़ करते हैं स्कूल, और आरती इस विच गुरु जी ने सारी प्रकृति द्वारा उस परम पिता परमात्मा की आरती विखाई है, जिस विच उन्होंने गगन नू पूरी थाल किया है, चंद्रमा ते सूरज नू दीपक के अंत, तारिया नू फुल बत्ती दा रूप दिता है। भाव इस तरह उन्होंने दुनिया विचों पखंड नू खत्म किया है कि सानू दुनियावी आरतियां दी बजाय उस परम पिता परमात्मा की आरती करनी चाहिए है। उन्होंने इस तो अलावा बच्चे यू कैन सी इन बुक हेयर गिवन शख्सियत एंड रचना, यू कैन रीड बाय सैल्फ एट होम। उन्हां दी बाणी ज्ञान ते प्रेरणा दा सोमा है ते नजवहमा भरमा नूं दूर कीता है। ते इस बाणी विच्चों ही एक उन्हां दी कविता है, सिमल रुख सरायरा। सिमल की है? एक रुख दा नाम है। सिमल रुख सरायरा, भाव सीधा उच्चा लंबा। वो की कह रहे हैं, सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मूच। कहिंदे कि जिवें सिंबल दा एक रुख हुंदा है, बड़ा एकदम सीधा उच्चा लंबा अते बहुत मोटा जां फैलिया होया हुंदा है। ओए जो आवै आस कर जाए निरासे कित। कहिंदे ओए जो आवै कि जो भी उसदे कोल आस कर, आस करके कोई आशा करके आंदा है, वो निराश ही वापस जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई छाया नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई फुल नहीं है। फल फिक्के फुल बक बके, कम ना आवे पत। कहने कि उनके फल जड़े हैं वो एकदम फिक्के बेसुआदे हैं, फुल भी बक बके हैं, कोई उन्होंने रंग रूप स्वाद नहीं है, तो इस दे पत्ते भी किसी काम नहीं आते। अंत में गुरु जी की कहते हैं, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइया तत्त। कहते कि इन सब चीज़ों का सार गुरु जी ने किनू कहा है, मिठा बोलना तो नीवा होके चलना, निमर होके रहना। गुरु जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मिठा बोलना आ गया,
और जो अपने झुकना जानता है उस अंदर सारिया चंगियाइयां सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है, सबको निवै आप को निवै ना कोई। कहने कि अपने मतलब ले तो हर कोई चुकता है, सबको निवै आप को मतलब अपने मतलब ले, पर को निवै ना कोई। पर को का मतलब है दूजे लिए, पराए व्यक्ति लिए, किसी होर ले कोई भी नहीं चुकता। धर तराजू तौली है निवें सो गौरा होए। कहने जो भी आप कोई तकड़ी में कोई चीज़ तोलते हैं जड़ा भारा पासा हुंदा है वही चुकता है। इस विच गुरु जी इसकी तुलना मनुखी जीवन के गुणा नाल कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर गुण होणगे वही चुकता है, वही निम्र ते न्यों के रहिंदा है। अपराधी दुना, सॉरी बेटा, अपराधी दुना निवें जो हंता मिर्गा है। कहने जिहड़ा अपराधी हुंदा है जिंदे मन के अंदर खोट है वह तो बहुत ज़्यादा चुकता है, जिवें मिर्ग। हंता का मतलब की है? हंता का मतलब हो गया इतने मारन वाला, शिकार करन वाला भाव शिकारी। तो मिर्गाए मतलब हिरना नू मारन वाला। कहने कि जिवें हिरन नू मारन वाला शिकारी दू बहुत ज़्यादा चुकता है। सीस निवाए क्या की है जा हृदय कसूद जाए। कहने सिर्फ सिर निवाण नाल कुछ की होएगा जेकर तुहाडे अंदर बहुत औगुण हैं, जेकर तुहाडे मन के अंदर खोट भरिया है। लिसन बच्चे नाओ, इस विच गुरु जी की कहते हैं कि जिमें शिकारी शिकार करन लई दुगना चुकता है, पर उसकी यह निम्रता व्यर्थ है क्योंकि उसके मन के अंदर खोट है। वह सिर्फ और सिर्फ दिखावे लई चुकता है, पर वह इंसान की तुलना इस शिकारी नाल करते हुए कहते हैं कि सानू साडे अंदर निम्रता धारण करनी चाहिए है, ना कि सिर्फ दिखावा होना चाहिए। नाओ बच्चे, डाउनसाइड गिवन दिस वन केंद्रीय भाव एंड दिस एक्सप्लेनेशन यू कैन रिवाइज नाउ। थैंक यू बच्चे।